उस्ताद जी नमस्कार, आप चलाते इसे? लोडर नंबर देखो लिख रहे हैं सद्भाव कंपनी का, 12012 लोडर है ये, 12012 नंबर है, 2021 मॉडल है इस लोडर का। उस्ताद जी डबल लीवर में है ना इसके, ये इसमें उस्ताद जी दांते दूसरे लगाए हुए हैं ना, दांत मैन्युफैक्चरिंग किया, अलग से लगाए हैं ना? प्लेट को कटिंग करना। अच्छा अच्छा, ये भाई हिंदुस्तान कंपनी का लोडर, इसमें भाई किर्लोस्कर कंपनी का इंजन है, इसमें 6 सिलेंडर, ठीक है। अब तो भाई ये हिंदुस्तान को लिया है कैट ने, खरीद लिया है, पता नहीं क्या सिस्टम है। वैसे कैट सेल कर रही है हिंदुस्तान के लोडर, लेकिन लोडर भाई इसका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, आपने देखा होगा। आपको ज़्यादातर ये लोडर हिंदुस्तान के मिलेंगे ऐसे पुराने। इसका दोस्तों जो पिछला वाला जो है एक्सल, ये भाई मूव करता है, ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे इस तरीके से होता है। आगे वाला सिस्टम इसका ऊपर नीचे को नहीं होता आई थिंक। हाँ, आगे वाला दोस्तों इसका जो है इस तरीके का मूव नहीं करता, पीछे वाला इसका ये डिफरेंशियल जो इस तरीके का मूव करता है। 4x4 ये भाई है लोडर, आगे के दोनों टायर और पीछे के दोनों टायर भाई इसके लगाते हैं जोर। और इस तरफ है भाई इसका हाइड्रोलिक टैंक, और ये है इसका कुछ यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे भी दोस्तों लिखो लिख रहा है कैटरपिलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि तब भी दोस्तों सेल कर रही थी, काफ़ी पुराना हो गया यार ये। होगा दोस्तों ये 14-15 मॉडल लोडर होगा, ये डबल लीवर में है, ये सारा सिस्टम इसका। भाई देखो लीक वीक हो रहा है इतनी रात, ऑयल सिस्टम सारा पुराना हेड कर को अंदर से मैं दिखाता हूँ इसमें बैठ के। ये भाई इसका सिस्टम, लोडर काफ़ी चलाया मैंने लोडर। ये दोस्तों है इसकी ब्रेक, उधर है एक्सीलेटर, और ये भाई इसके हैं गियर रिवर्स फॉरवर्ड, 3 इसमें गियर आते हैं टोटल, एक बैक हो गया और एक पहला दूसरा, ऐसा सिस्टम है। और ये भाई 2 इसमें आते हैं लीवर, वो परली साइड वाला जो है दोस्तों वो उठाने का है बूम को, बॉकेट को आगे से, यानी कि आर्म को उठाने का पूरा लोडर को, और ये वाला दोस्तों इसको बंद करने का और खोलने का। ये इसमें इधर की लग रही है, और इसमें सारे मीटर्स बाइक काफ़ी बदल गए हैं, ये AMW का मीटर डाल रखा है कुछ, ठीक है। ये साइड ग्लास लगा रखा है, ये फैन है इधर, ये भाई इसकी थोड़ी सी यहाँ से छत खुल जाती है थोड़ी सी, इतनी सी है सनरूफ इसका पैनारोमिक सनरूफ जो दिया है ये भाई इसका सिस्टम। हाँ उस्ताद जी, ये उस्ताद जी शूटिंग हमारा चैनल है यूट्यूब पे, हाँ हम रिव्यू वगैरह बनाते हैं, तभी तो आपसे पूछ रहे थे कितने HP का है इंजन। हाँ 120 HP का। अच्छा अच्छा, उस्ताद जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं तो सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सिंह। आपको ऐड कर लें वीडियो में, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलाओगे अब इसे आप? अच्छा चला तो मैं भी लेता हूँ उस्ताद जी पक्का, चलो लाओ मैं चलाता हूँ इसको। दोस्तों मैं चलाता हूँ इसको आज बड़े दिनों बाद, क्योंकि इसका दोस्तों ना आप खड़े रहो यहीं पे, तो इसका इसका लीवर किधर चलाना बताओ, तो सीट बड़ी आपने पास में कर रखी है, है? आप दिक्कत मत मानो, मैं ग्रेटर ऑपरेटर हूँ। हाँ क्या करना बताओ, अरे जाने आपको है? किधर जाना, इधर जी, बस मैं इतना ही चलाना था आज भाई, चला धन्यवाद उस्ताद जी आपका। अच्छा उधर चलाओगे आप बैचिंग प्लांट में?
अच्छा। मैं दोस्तों इसके ऊपर चढ़ा के ला रहा था, बोले नहीं पलट जाएगा। तो यार ऐसे में थोड़ी पलट जाता है यार लोडर। दोस्तों मैंने ये काफ़ी चलाया है NKG कंपनी में। चलो आपको दोस्तों चलता हुआ ही दिखाता हूँ मैं। अरे भाई गाड़ी ये लोड कर रहा है भाई, GSB लोडर हिंदुस्तान 2021। इसकी सीट जो है ना दोस्तों, सीट बहुत आगे थी यार, चलाने में ना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं बन पा रहा था। बाकी तो भाई ये लोडर मैंने बहुत चलाया, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे खाली मतलब थोड़ा बहुत ही चलाया हो, यानी कि 2-3 महीने लोडर चलाया था, क्योंकि एक कंपनी में था ना दोस्तों, मैं NKG कंपनी में, तो वहाँ पे क्या एक्सावेटर ऑपरेटर था मैं, तो मेरी एक्सावेटर ख़राब हो गई, तो मैंने ऐसी वहीं पे लोडर सीख लिया ये ऐसे थोड़ा थोड़ा चलाते, फिर भाई कंटिन्यू चलाया लोडर मैंने। पावर लगाता है इसका दोस्तों, ये सिस्टम नहीं है इसमें, नए मॉडल में आ गया हो तो पता नहीं है। इसका जैसा होता ना कि जैसे 4x4 हटा दो खाली 2x2 में चले, तो वैसा नहीं है, चलेगा 4x4 में ही है। देखो ये इधर वाला लीवर दोस्तों उठाने का है, और अंदर वाला जो लीवर है दोस्तों वो है बंद करने का, खोलने का पॉकेट को, इसके लोडर को। स्पीड दोस्तों बहुत ज़्यादा कम हो गई है इसकी, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड रहती है पुराना होने की वजह से। लेकिन दोस्तों इससे ना लोडर से भाई, जैसे आप JCB चलाते हो, JCB का लोडर से आपने जैसे आप गाड़ी भरते हो, अगर आप JCB सीखे हुए हो, उसके बाद में जैसे आप कभी लोडर चलाओगे ना भाई, इतना मज़ा आता है ना गाड़ी भरने में इससे, क्योंकि एक तो भाई इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है लोडर की, और मटेरियल बहुत ज़्यादा आता है, गाड़ी भी जल्दी भरती है, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन सा मिलता है अगर आप JCB चलाते हो, और उसके बाद में अगर आप जब भी लोडर चलाओ तो बहुत मज़ा आता है भाई। देख रहे भाई वो नीचे वाला, देखो जो इसकी शाफट है वो कैसे एकदम से उधर को घूमती है, एकदम से उधर को घूमती है, देखना शाफट, देखना भाई एकदम से पैक गियर डलेगा दूसरी तरफ को घूमने लग जाएगी। देखो टावर देखो आप, एक लोडर दोस्तों शायद ही आगे डालेंगे। ये डबल लीवर दोस्तों चलाने में ना सब पहले ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है नए ऑपरेटर को, जैसे जिसने अगर सिंगल लीवर चलाया हो, लेकिन तब दोस्तों थोड़ी सी इसकी आदत पड़ जाती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है इसको चलाने में डबल लीवर को, क्योंकि इसको जैसे पीछे को कर दो ना लीवर को, तो इसका हल्का सा लीवर ना फंस जाता है, अपने आप उठता रहता है ऑटोमेटिकली। उस्ताद जी कितने लोडर पड़ते हैं गाड़ी में?
मतलब इस गाड़ी में कितना लोडर पड़े हैं? सात लोडर में गाड़ी फुल है। कितना वेट हो गया होगा? 22-23 टन हो गया होगा। अच्छा चलो सही है, ठीक है भाई। बताना भाई कैसी लगी वीडियो आपको, इसका एक शॉर्ट रिव्यू टाइप मैंने बनाया है। ये दोस्तों जो घूमता है ना लोडर, इसके टायर नहीं घूमते, अगला वाला दोस्तों इसका हिस्सा ही घूमता है पूरा। तो आवाज बहुत कर रहा है इसमें भी दोस्तों, ग्रेटर की तरह ना आर्टिकुलेशन ज्वाइंट होता है। तो आगे दोस्तों ये स्टेयरिंग के लिए जैक लग रहे हैं, देखो पूरा इसका आगे वाला हिस्सा घूमता है, टर्न लेता है, देख रहे हो ये चीज है, इस तरीके से भाई ये मूव होता है। इधर भाई इसकी पीछे रखी जाती है इसकी बैटरी, ठीक है। और ऐसी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। बहुत दिनों बाद भाई आज आए हैं लोडर पे, बहुत दिनों बाद भाई लोडर की सीट पे आज बैठने का मौका मिला, ठीक है।